Today the topic of discussion is dental pulse, periodontics, synopsis. Okay, so dental pulse में आपका periodontics का कुछ synopsis दिया हुआ है, most important points which we must know, most important points which we must know. Okay, so I have devised some mnemonics because बहुत ज्यादा है वहाँ पे सीखने के लिए, so I have devised some mnemonics to remember all those. मतलब सारा का सारा नहीं है, नॉट ऑल ऑल एवरीथिंग यू वुड बी एबल टू, नॉट एवरीथिंग आई हैव गिवन, बट आई हैव ट्राइड टू गिव एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके मैंने देने का कोशिश किया है. ओके, तो वी विल स्टार्ट विद ग्रेसी क्यूरेट. ओके, तो मोस्ट ऑफ यू थर्ड ईयर्स आई गेस यू माइट नॉट बी नोइंग ग्रेसी क्यूरेट, तो मैं पहले बता दू ग्रेसी क्यूरेट क्या है. सी, दिस आर अ सेट ऑफ ग्रेसी क्यूरेट्स. ओके, ग्रेसी क्यूरेट्स किस लिए यूज करते हैं? ग्रेसी क्यूरेट्स आर सेट ऑफ मेनी क्यूरेट्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एरियाज एंड स्पेसिफिक सरफेस. तो स्पेसिफिक एरियाज ग्रेसी क्यूरेट स्पेसिफिक एरियाज में यूज होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज एंड सरफेसेस. ओके, जैसे स्पेसिफिक एरिया सोच लो एंटीरियर, लाइक एंटीरियर टीथ, लाइक पोस्टीरियर टीथ, अलग अलग है. पोस्टीरियर के लिए अलग है, इंटीरियर के लिए अलग है, फेशियल के लिए अलग है, फेशियल एंड लिंगुअल के लिए अलग है, मेजियल सरफेस के लिए अलग है, डिस्टल के लिए अलग है. तो वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्यूरेट्स. क्यूरेट्स मतलब जिससे हम क्यूरेटाज करते हैं. क्यूरेटाज मतलब क्या है, वी विल स्पीक, वी विल टॉक लेटर. ओके, तो वी विल बी फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ग्रेसी क्यूरेट्स. सो हाउ टू रिमेम्बर, देखो ग्रेसी क्यूरेट नंबर क्या क्या आता है. नंबर 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 कहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज इट इन एंटीरियर टीथ. ओके, नंबर 5, 6 वी यूज इट इन एंटीरियर एंड प्रीमोलर टीथ. ओके, ये तो याद रहेगा क्योंकि नंबर 5 प्रीमोलर हमको पता है, नंबर 5 दांत जो है वो प्रीमोलर है, तो 5 और 6 प्रीमोलर में यूज किया जाता है. 7, 8, 9, 10 वी यूज इट इन फेशियल एंड लिंगुअल. 11, 12 से याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है. 11, 12 मेजियल सरफेस पोस्टीरियर टीथ. 13, 14 posterior teeth, distal surface. 15, 16 blade of 11, 12 and shank of 13, 14. ये थोड़ा complicated है, तो I have made a mnemonic to remember this. तो 11, 12 class standard बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे. 11, 12 में मैं अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे मैं जो है it is the most important word. Okay, मैं for मैं कहाँ से आता है, M. तो 11, 12 we use it in मेजियल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ. ओके, ठीक है. देन 11, 12 हो गया. अब 13, 14 क्या होता है? वैसे तो हम लोग 13, 14 नहीं बोलते, बट डिग्री, बैचलर्स डिग्री 13, 14 में आ जाता है. राइट, राइट, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर. ओके, यस सर. 13, 14 डिग्री में आ जाता है, तो 13, 14 में मैं डिग्री करने गया. ओके, तो डिग्री का क्या है, डी. ओके, तो 13, 14 में मैं डिग्री करने गया पोस्टीरियर टीथ डिस्टल सरफेस. ओके, ठीक है, डिस्टल सरफेस याद रहेगा. 11, 12 में मैं अच्छा लड़का था, तो मैं हो गया, मैं से मेजियल सरफेसेस. 13, 14 से पोस्टीरियर टीथ डिस्टल सरफेसेस. ओके, 15, 16 को क्या हुआ, 16 में पहले दोनों किससे रिपीट हुए. Okay, so whatever there was 11, 12, 13, 14 is repeated in 15, 16. Okay, so 15, 16 में पहले दोनों किससे repeat हुए, और 17, 18 में मैं तीन बार fail किया. तो 17, 18 में देखो, 17, 18 में तीन है ना, तो याद रखो तीन के साथ 13 जुड़ा हुआ है. Okay, तीन बार fail किया, तो it is extended by 3 mm. Shank is extended by, जो shank होता है, I'll show you what is shank, what is blade. हमने दिखाया था last periodontics class पे, when we talked about periodontic instrument, shank is extended by 3 mm. तो समझ में आया ये mnemonic everyone, or is it complicated? I would like to hear from you. Are you understanding? Sir, last two, एक बार देखा. last वाला ना, ये, okay. 17, 18 में मैं तीन बार फेल किया. ओके, तो तीन में क्या होता है, तीन है ना, तो थ्री है, देखो तो थ्री है तो 13 होगा. ठीक है, 13, 14 ब्लेड ऑफ 13, 14. ठीक है, इसमें ब्लेड
13-14 का आ जाता है, और शैंक क्योंकि तीन है ना, तो शैंक जो है इट इज एक्सटेंडेड बाय 3 mm. जो ब्लेड और शैंक हम बात करेंगे बाद में, ब्लेड होता है, ब्लेड जो है वो 13-14 का है, सेम ब्लेड, पर शैंक जो है वो 3 mm एक्सटेंडेड है. ठीक है, समझ में आया अभी? यस. ओके ओके फाइन. तो दिस आर द ग्रेसी क्यूरेट. देखो, नंबर 1-2 ग्रेसी क्यूरेट, नंबर 3-4 ग्रेसी क्यूरेट, 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16. ओके, तो एंगल इन इंस्ट्रूमेंटेशन, तो कौन सा एंगल कहाँ पे यूज करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो एंगल फॉर ब्लेड इंसर्शन, आपके पास ब्लेड है, जो जो आपका इंस्ट्रूमेंट का ब्लेड है, व्हेन यू इंसर्ट इन द माउथ इट शुड बी एट 0 degree. ये कोई न्यूमेनिक नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर. एंगुलेशन, डिफरेंट एंगुलेशन विल स्टडी. तो एंगुलेशन फॉर ब्लेड इंसर्शन इज 0 degree. ओके ओके, एंगुलेशन फॉर ब्लेड इंसर्शन इज 0 degree. ठीक है, ये याद रखना है. एंगुलेशन फॉर स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग, यू विल बी, यू आर थर्ड ईयर पीपल, थर्ड ईयर पीपल जो स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग कर रहे हैं, हाँ, तो उनको याद रखना है कि एंगुलेशन जो है उसको 45-90 degree होना चाहिए. जो ब्लेड है आपका, जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी प्लेस्ड 45-90 degree. ठीक है, नेक्स्ट. तो एंगुलेशन फॉर क्यूरेटेज, अभी क्यूरेटेज के बारे में हम बात करेंगे. क्यूरेटेज के, क्यूरेटेज किससे करते हैं? हम क्यूरेट से करते हैं. तो व्हाट इज द एंगल फॉर क्यूरेटेज, व्हाट विल बी द एंगल? जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हमने बताया 45-90 degree होगा, बट फॉर क्यूरेटेज व्हाट विल बी द एंगल? सो इट इज ग्रेटर देन 90 degree. लेट्स सी व्हाट इज क्यूरेटेज. Curettage includes the process of cure, includes the use of a curette for dental procedure. It is used for scraping and has been effectively been used in the treatment of periodontitis. So curettage हम लोग periodontitis में use करते हैं. Okay, gingival curettage is considered a surgical procedure. It is a surgical procedure. It uses a curette to form a periodontal pocket, remove soft tissue lining. So soft tissue lining जो होता है उसको हम रिमूव करते हैं. ओके, सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग वी रिमूव थ्रू क्यूरेटेज. ऑल दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज हेल्दी कनेक्टिव जिंजाइवल. तो ये सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग क्या है? ये डिजीज्ड है. ओके, डिजीज सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग को हम रिमूव करते हैं थ्रू क्यूरेटेज. ओके, तो एंगुलेशन फॉर क्यूरेटेज इज क्या है? ग्रेटर देन 90 degree. तो ये कैसे याद रखेंगे? क्यूरेटेज में देखो जी है, ठीक है, जी है, तो जी फॉर ग्रेटर. ठीक है, और ये जी और 9 एक जैसा है, लाइक एक जैसा है कि नहीं? जी दिस इज कॉल्ड डबल स्टोरी लोअर केस, दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टोरी लोअर केस. ओके, जी और 9 एक जैसा है, तो जी फॉर ग्रेटर और 9 फॉर ग्रेटर देन 90 degree. ठीक है, फाइन, समझ में आया? यू कैन रिमेम्बर दिस? यस. ओके ओके, क्यूरेटेज बता दिया. एंगुलेशन ऑफ ब्लेड विद शैंक इन यूनिवर्सल क्यूरेट, एक है, एक तो ग्रेसी क्यूरेट हमने पढ़ा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्यूरेट. ओके, सो हु इज देयर इन द पिक्चर हियर? कौन है यहाँ पे, यू नो? प्लीज गेट, तो क्या बोलते हैं? व्हाट ही कॉल्ड यूनिवर्सल बॉस, बॉस. सो ही इज द यूनिवर्स बॉस. तो यूनिवर्स बॉस इस बार सेंचुरी कर नहीं पाया, 90 पे आउट हो गया. ओके, तो ही गॉट आउट एट 90. तो यूनिवर्सल क्यूरेट का एंगुलेशन क्या है? 90 degree है. ठीक है, ग्रेसी क्यूरेट का बाद में पढ़ेंगे. यूनिवर्सल क्यूरेट का एंगुलेशन ब्लेड का शैंक से कितना है? 90 degree. यू रिमेम्बर यूनिवर्सल में यूनिवर्स बॉस, ही गॉट आउट एट 90 degree. ठीक है, तो यूनि में देखो, यूनि ऐसे भी याद कर सकते हो, यूनि में एन आई आता है ना, तो एन आई से 90. ओके, ठीक है, तो यूनिवर्स बॉस स्कोर 90, ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हो, और यूनि में एन आई है फॉर 90. यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दैट ऑल्सो. ओके, सो दिस इज फॉर यूनिवर्सल क्यूरेट. सो दिस इज आई वॉज टेलिंग. सो ये ब्लेड है, ये शैंक है, ये हैंडल है, एंड दिस इज ऑल्सो द ब्लेड. दो ये भी शैंक है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, तो उनका अलग अलग होता है.
अलग ब्लेड होता है, अलग शैंक होता है, अलग हैंडल होता है. तो यूनिवर्सल क्यूड है ब्लेड और शैंक. तो ब्लेड है, ये ब्लेड है और शैंक है, इसके बीच जो एंगल है इट इज 90 डिग्री. ओके, तो दिस इज अ यूनिवर्सल क्यूरेट. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सल क्यूरेट, आपको नाम बता रहा हूं मैं. देर आर बर्नहार्ट, बर्नहार्ट क्यूरेट, कोलंबिया क्यूरेट. यू डोंट नीड टू राइट दिस, दिस इज देयर इन योर बुक. देन यंगर गुड क्यूरेट, देन मैकॉल्स जो मैंने आपको दिखाया. देखो ब्लेड और जो शैंक है उसके बीच कितना एंगल है, इट इज 90 डिग्री. ओके, तो याद रखो यूनिवर्स बॉस बॉस गॉट आउट एट 90. ओके, गॉट आउट एट 90. ठीक है, फाइन. नाउ इन ग्रेसी क्यूरेट, ग्रेसी क्यूरेट में एंगुलेशन कितना होता है? ग्रेसी क्यूरेट में ब्लेड और शैंक का एंगल है 60 to 70 डिग्री. तो यहाँ पे याद रखो दिस जी, कैपिटल लेटर जी फॉर ग्रेसी, तो जी इज लाइक 6, राइट? तो यहाँ पे 60 डिग्री है. ठीक है, 60 डिग्री याद रह गया तो 70 भी याद रख लेना. एनीवे आंसर में आपको 70 नहीं आएगा, 60 दे विल गिव. ओके, तो 60 to 70 डिग्री ये मार्जिन याद रख लो. जी फॉर ग्रेसी, फॉर ग्रेसी से जी, जी फॉर ग्रेसी एंड इट इज जी लुक्स लाइक 6 और 60 डिग्री. ओके, नाउ दिस एंगल बिटवीन द फेस एंड लेटरल सरफेस ऑफ द ब्लेड. तो फेस और लेटरल सरफेस, आई हैव नॉट ब्रॉट द पिक्चर. फेस एंड लेटरल सरफेस, ओके, तो फेस का एफ ए ले लो और एल ए ले लो. ठीक है, तो ये एक हम स्पेलिंग बनाते हैं, वो हो गया फालतू. ठीक है, फालतू, देयर वॉज ए मूवी बाय द नेम फालतू. ठीक है, ये अरशद वारसी, रितेश देशमुख और कोई कोई थे. तो देयर वॉज ए मूवी कॉल फालतू. ठीक है, और इस लड़के को पहचानते हो, ये कौन है? यू हैव सीन हिम, कपिल शर्मा शो में आता है. एनीवन? कोई नहीं नो सर, देख, हाँ हाँ सर देखा था. देखा था ना, इसका नाम खजूर है. ठीक है, इन द कपिल शर्मा शो हिज नेम इज खजूर. और ये एक फालतू बच्चा का एक्टिंग करता है, मतलब ये एकदम बिगड़ा हुआ बच्चा अपना बाप को ताना मारता है. ही इज लाइक दैट, मतलब लाइक ही इज ए फालतू किड, तो वैसा ये करता है. तो दिस फालतू किड हैज अ वेरी, मतलब इसका एक बहुत दुख भरा स्टोरी है. ठीक है, इसका पीछे देखो यहाँ पे लिखा है रुला देगी कपिल के खजूर की कहानी. तो इसका बहुत दुख भरा स्टोरी है. एंड ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बट क्या है कि अभी अभी जो द जेनरेशन इज गोइंग ऑन, अभी कोई 90% स्कोर नहीं करेगा, 90+ स्कोर नहीं करेगा, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड इन स्टडीज. हमारे जमाने में 70-80 आ जाता था, मतलब ही इज ए वेरी गुड ब्राइट स्टूडेंट. बट अभी क्या है, अभी 90 तो हर कोई लाता है, मतलब एवरीवन. जो पत्थर, वो एक बोलते हैं ना, हर जिस घर पे पत्थर मारोगे पूछोगे कितना परसेंट मिला है, 90% मिला है. तो हर घर में कोई 90% मिलता है. तो यहाँ पे फालतू बच्चे स्कोर 70 to 80%. अगर आपको अच्छे से याद नहीं रहता है, ये बच्चा को याद करो, दिस वाज अ फालतू बच्चा, ही स्कोर 70 to 80. और ऐसे भी याद नहीं रहता है, ये मूवी को याद करो, इसका नाम है फालतू. डायरेक्टर था रिमो डिसोजा, जनरली रिमो डिसोजा फालतू मूवी ही बनाता है. तो 70 to 80, हेयर ऑल्सो आई हैव गिवेन 70 to 80. आपको मोर पिक्चर्स आई हैव गिवेन सो दैट यू कैन मेमोराइज इट. ओके, तो याद रहेगा एंगल बिटवीन फेस एंड लेटरल सरफेस. ओके, फेस, फेस का एफ ए, एल एल ए लेटरल सरफेस का. ठीक है, तो 70 to 80%. ओके, तो अभी है एंगल ऑफ शार्पनिंग, इंस्ट्रूमेंट शार्पन करना है आपको, शार्पनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो इंस्ट्रूमेंट शार्पन करना है, तो उसका एंगल कितना होगा? तो आप शार्प करना चाहते हो एक इंस्ट्रूमेंट में को, तो कितना कितना शार्प करना चाहोगे, 50% या 100%? व्हाट विल बी योर एम? 100%. तो इट शुड बी 100% शार्प, और यही एंगल है फॉर शार्पनिंग, इट इज 100 to 110. आपको ऐसे याद नहीं रहता है, तो ये एक टीवी, टीवी का ब्रांड है. ठीक है, रोहित शर्मा इसका ऐड करता है. तो रोहित शर्मा इज नोन फॉर व्हाट, उस किस लिए जाना जाता है? फॉर स्कोरिंग हंड्रेड्स, हंड्रेड्स एंड डबल हंड्रेड्स, राइट? तो यहाँ से याद रखो कि शार्प बी ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब क्या, 100% परफेक्ट, राइट? ठीक है, बी ओरिजिनल. ये शार्प जो टीवी है इसका क्या बोलते हैं, वो वर्ड है,
ठीक है, सेंटेंस है, ठीक है। तो बी ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब 100% क्वालिटी, ठीक है। तो 100% यहाँ पे और एक पिक्चर दिया है मैंने, 100% क्वालिटी। तो एंगल फॉर शार्पनिंग इज 100%, मतलब 100 to 110, ये याद रखना, ठीक है। द ब्लेड ऑफ हो बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है, यू विल यूज इन पेरियोडोंटिक्स। तो हो का ब्लेड जो है इसका एंगल कितना है, तो इसका एंगल है 99 डिग्री। आप इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो कल हो ना हो, ठीक है। तो ना है तो n फॉर 9, ओके। और हो दो है, ठीक है, तो 2 9, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, तो हो 2 times है यहाँ पे, कल हो ना हो 2 times है, और ना एक बार है, n फॉर 9, ओके। तो 9 99, ठीक है, हो 2 times therefore 2 9, ओके। कल हो ना हो, और ना पे इस मूवी का भी ए 2 बार है, तो ना याद रखो ए 2 बार है ना, तो 9 9, ठीक है, 9 9। नाउ येलो कॉम्प्लेक्स, येलो कॉम्प्लेक्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। येलो कॉम्प्लेक्स होता है, ग्रीन कॉम्प्लेक्स होता है, पर्पल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका इसमें जो जो बैक्टीरिया आता है आप कैसे याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो जो बैक्टीरिया है वो सब का नाम क्या है, एस मिटिस, एस सेंग्विस और एस ओरेलिस, ओके। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो मिटिस को हमने बना लिया नीतीश, ओके, और सेंग्विस को बना लिया हमने संतोष, ओके। ओरेलिस लिस है ना, लिस लिसा, तो इसको बना लिया हमने लिसा। तो ये तीन लोग, तीन फ्रेंड्स है, दे वेंट टू मैरिज एंड अप्लाइड हल्दी, हल्दी क्या कलर है, येल्लो, ओके। ये मूवी देखा है आपने, सोनू की टिट्टू की शादी देखा है आप लोगों ने, एनीवन? ये गाना आई थिंक यू हैव हर्ड, तेरा यार हूँ मैं, वेरी फेमस सॉन्ग, यस सर, ये वेरी फेमस सॉन्ग है, अरिजीत ने गाया है। तो इस सॉन्ग में दिखाते हैं कि हल्दी लगाते हैं, शादी में गया होता है, इसका शादी होता है, एंड दिस कार्तिक आर्यन गोस इनटू द मैरिज एंड देन अप्लाइज हल्दी एंड देन then these things happen. So, यहाँ पे हमको याद रखना है कि नीतीश, ओके, ये शादी का एनवायरमेंट है, याद रखो शादी, शादी में हल्दी लगाया, येलो कॉम्प्लेक्स, नीतीश, ये देखो नीतीश का फोटो मैंने लाया है, यू नो हिम, यू नो दिस पर्सन, हु इज ही? यस सर, नीतीश कुमार, राइट? सो नीतीश, नीतीश का एक फ्रेंड है, सोचो संतोष, और एक फ्रेंड है उनका लिसा, ठीक है। तो दे वेंट टू ए मैरिज एंड अप्लाइड हल्दी, ओके, okay, so they went to an marriage and applied haldi. So mitish, nitish se kya yaad aayega, mitish, okay, sanguish se kya aayega, santosh, aur orelis se liza, okay. So they went to a marriage and applied haldi, okay. Now purple complex, humne abhi baat kiya yellow complex ke bare mein, now purple complex kaise yaad rakhenge, to isme do hi organisms aata hai, parvula aur odontolyticus. So पर्पल और पार्वल, पार्वल एक जैसा राइम करता है, राइट, पर्पल और पार्वल, तो ये ऐसे याद रख सकते हो। बट ओडोंटोलाइटिकस कैसे याद रखोगे, तो देखो ये एक पर्पल ऑस्ट्रिच है, पर्पल ऑस्ट्रिच, देखो ये फोटो भी एक ऑस्ट्रिच का है जो पर्पल है, ठीक है, तो पर्पल ऑस्ट्रिच, ओके, ऑस्ट्रिच से आपको याद करना है ओडोंटोलाइटिकस, समझ में आया? Understood? Yes, sir. Okay. थोड़ा नाम थोड़ा मतलब first time because आप लोग सुन रहे हो, so it might be little थोड़ा problem हो सकता है, but after you get accustomed, आप ये video को 2 बार 3 बार देखोगे, then you will find it easy. Okay? Then red complex. Red complex कैसे याद रखेंगे? देखो red में GDP को दिया है, और अभी कोरोना चल रहा है, तो GDP हमारा क्या हो रहा है? GDP is going down, GDP is in red zone, okay. So G for gingivalis, D for denticula, or P, P or F ek jaisa rhyme karta hai na, so F for forcitus, okay. So denticula, gingivalis and forcitus, okay. Yaad rahega aise? Yaad rahega? Everyone? Yes sir. ओके, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, पर ये मतलब ऐसा नहीं कि एक बार सुनोगे याद रहेगा, बिकॉज दिस इज न्यू टू यू एंड दिस आर माई न्यूमोनिक्स, दिस आर माई वे ऑफ रिमेम्बरिंग, सो यू माइट नॉट बी कम्फर्टेबल विथ इट,
बट आप एक बार दो बार वीडियो देखोगे देन इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग मगिंग अप सो मच ऑफ नेम्स यू विल फाइंड इट इजियर टू रिमेम्बर थ्रू दिस. ओके तो देखो अभी ऑरेंज कॉम्प्लेक्स याद रखना है. देखो ये लड़की ऑरेंज कपड़ा पहनी है, ठीक है. ऑरेंज, ऑरेंज में क्या क्या आता है? पी इंटरमीडिया, सी रेक्टस एंड पी एफ न्यूक्लियटम. तो यू कैन रिमेम्बर आर ई से रे, ओके एन यू से रेनू. ओके रेनु इस लड़की का नाम है, इंडियन नेम राइट. रेनू, रेनू इज एन इंटरमीडिएट, नहीं ये इंटर्न होना था. रेनू इज एन इंटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. ओके Renu is an intern from Oxford. So Oxford O for orange. Okay. ठीक है. Renu Re से rectus. Okay. And Nu से nucleatum. Okay. Intern से intermedia. ठीक है. So Renu is an intern from Oxford. समझे? ठीक है. Next. अभी green complex. तो green complex कैसे याद रखेंगे? आई एम ए बिग, मैं बहुत सारा मूवीज देखता हूँ तो ऑल माई न्यूमोनिक्स आर रिलेटेड टू मूवी ओनली. सो आई डोंट नो हाउ मच यू कैन रिलेट बट एनी वे लेट्स ट्राई. ट्राई करने में क्या है, एनी वे दिस इज समथिंग डिफरेंट. नो वन इज डूइंग दिस, एवरी वन इज ट्राइंग टू मेमोराइज देयर लाइक मगिंग अप. मगिंग अप इज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट वेन यू हैव सो मेनी थिंग. सो दिस इज सन इन लॉ. ओके दिस इज हु इज ही, रजनीकांत. एंड रजनीकांत का सन इन लॉ कौन है? धनुष. ओके एंड सन इन लॉ को क्या बुलाते हैं इंडिया में? जीजाजी, राइट. जीजाजी बुलाते हैं ना. तो देखो इसको, इसका न्यूमोनिक्स क्या है? ग्रीन कॉम्प्लेक्स. तो ग्रीन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. जीजाजी एक्टिंग कोरोना आप ग्रीन कैप लगा के. ओके तो जीजाजी दिस इज सन इन लॉ, तो उसको जीजाजी बुलाते हैं. धनुष इज ए वेरी गुड एक्टर. उसका नया मूवी एक निकल रहा है अभी, उसका बहुत चर्चा है. धनुष इज ए एक्टर, ठीक है. धनुष इज एन एक्टर और वो जीजाजी भी है. तो यहाँ पे कैप भी लगाया है, देखो एक फोटो मैंने ढूंढा है कैप लगा के. तो धनुष जीजाजी एक्टिंग कोरोना कैप लगा के. ओके तो जीजा जी फॉर ग्रीन. ओके एक्टिंग फॉर एक्टिनो माइसेटम कोमिटेंस. ओके फिर कोरोना, कोरोना फॉर कोरोडेंस. ओके कोरोडेंस, ठीक है. एंड कैप्नोसाइटोफेगा कैप, ठीक है. तो इससे आपको रिमेम्बर करना है कैप्नोसाइटोफेगा, ठीक है. ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? एवरीवन दिस वे ऑफ रिमेम्बरिंग इज इट टफ? टफ लग रहा है? आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. नो सर. इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? नो सर इट्स फाइन. हां फाइन. ओके मैनेज हो जाएगा ना, ठीक है. यस सर. ओके ओके फाइन. तो अभी बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड पेरियो टेस्ट. ओके ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज नोन एज पेरियो टेस्ट. ओके सो इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टूथ मोबिलिटी. ओके पेरियो टेस्ट किस लिए यूज करते हैं? फॉर डिटेक्शन ऑफ टूथ मोबिलिटी. देखो यहाँ पे टूथ मोबिलिटी चेक कर रहे हैं विद दिस इंस्ट्रूमेंट. तो इसको कैसे याद रखेंगे? टी फॉर टेस्ट, टी फॉर टूथ मोबिलिटी. ओके फाइन. सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट. दिस में कम इन योर एग्जाम नीट एमडीएस एज ए दिस, आपको क्या बोलते हैं उसको, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ओके नेक्स्ट, दिस इज नोन एज पेरियोडोंटोमीटर. ओके दिस इज पेरियोडोंटोमीटर. ये सारा नाम जो है ना, दिस इज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद पेरियो. ओके ये जितना सारा चीजें मैं बताने जा रहा हूँ अभी, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद पेरियो. ओके सो पेरियोडोंटोमीटर, मीटर से मोबिलिटी. ओके सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग टूथ मोबिलिटी. ओके तो पेरीडेक्स, पेरीडेक्स क्या है? या पेरियो गार्ड. ओके इज एन प्रेस्क्रिप्शन सोल्यूशन ऑफ 0.12% क्लोरोहेक्सिडिन. ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा. ओके पेरीडेक्स क्या है? पेरीडेक्स इज ए प्रेस्क्रिप्शन सोल्यूशन ऑफ 0.12% क्लोरोहेक्सिडिन. ओके पेरीडेक्स इज 0.12% क्लोरोहेक्सिडिन, ठीक है. नेक्स्ट अभी पेरियो गार्ड, जी ए आर डी. तो इसको ये किस लिए यूज करता है? आपने जीसीएफ सुना है, जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड. जिंजाइवा में कुछ फ्लूइड होता है, उसका नाम है जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड.
और वहां पे कुछ सारे एंजाइम होते हैं, तो दिस पेरियो गार्ड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज. ओके, तो ये कैसे याद रखेंगे, गार्ड, देखो गार्ड है ना, तो जी ए ए ए, ठीक है, तो एस्पार्टेट, ए फॉर एस्पार्टेट और ए फॉर अमाइनो ट्रांसफरेज, तो जी फॉर गाना है ना, बजना चाहिए गाना, तो जी जी फॉर पेरियो गार्ड, ए फॉर अमाइनो, ए फॉर एस्पार्टेट एंड ए फॉर अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज पेरियो मोनिटर हाउ. ओके, पेरियो मोनिटर हाउ, पेरियो मोनिटर हाउ ऑल्सो मेशर्स ए एस टी, इसमें भी ए एस टी मेशर करते हैं, मतलब अमाइनो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज. तो यहाँ पे आपने पूछा हाउ आर यू, ओके, तो हाउ आर यू मतलब ए डबल दो बार यूज किया है, तो हाउ हाउ इसको स्पेलिंग हमने चेंज किया है, एच ओ यू से एच ओ ए डब्ल्यू ई लिया है, ठीक है, तो हाउ आर यू ए डबल ए, ठीक है, तो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, दिस इज हाउ पेरी मोनिटर. ओके, ये दांत में देखो डाल के हम इसको यूज फॉर मेजरिंग द एंजाइम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज. ओके, तो पॉकेट वॉच, पॉकेट वॉच बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है इन पेरियोडोंटिक्स, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज. सो एक स्टोरी आई विल टेल यू, आई हैड समवन स्पेशल, मैं थोड़ा स्कूल के बाद आई हैड समवन, तो शी ऑलवेज यूज टू आस्क मी इन द इवनिंग व्हाटचा डूइंग, सो ऐसे बात करते थे ना, लाइक दिस निब्बस एंड निब्बिस दे स्पीक लाइक दैट, तो शी यूज टू आस्क मी एवरी डे वॉच आर डूइंग, तो यहाँ से मुझे याद आया, आज सुबह को याद आया, वॉच ये पेरियो पॉकेट वॉच है, वॉच से वॉच डबल ए ए लगा दिया यहाँ पे, तो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज. ओके फाइन, ये पेरियो ट्रिवर है. ओके, दिस इज इन, ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, जब पेरियोडोंटल पॉकेट में कोई इंस्ट्रूमेंट, पेरियोडोंटल पॉकेट में कुछ इंस्ट्रूमेंट फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए वी यूज पेरियो ट्रिवर. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्वार्ट्स पेरियो ट्रिवर्स, मतलब ट्रिवर्स रिट्रीवर वर्ड से आता है, रिट्रीव करना है, मतलब बाहर निकालना, कुछ अगर फंस गया है इंस्ट्रूमेंट आपका पेरियोडोंटल पॉकेट में, तो उसको हम निकालते हैं पेरियो ट्रिवर्स से. ओके, तो दिस इज ऑस्मोस्कोप, ये हेलिटोसिस, हेलिटोसिस पता है, एनीवन नोस हेलिटोसिस, थर्ड इयर्स, बैड ब्रीथ. ओके, बैड ब्रीथ, बैड ब्रीथ, सो फॉर द डेंटिस्ट देयर इज नो स्कोप फॉर हेलिटोसिस इन डेंटिस्ट. अगर आप डेंटिस्ट हो तो आप कैन यू अफोर्ड टू हैव अ फाउल स्मेलिंग माउथ, यू कैन नॉट अफोर्ड, नहीं तो बोलेंगे अरे आप डेंटिस्ट हो एंड डेंटिस्ट होके आपका माउथ इतना फाउल स्मेलिंग करता है, व्हाट टाइप ऑफ डेंटिस्ट यू आर. तो ऑस्मोस्कोप याद रखो, देयर इज नो स्कोप फॉर हेलिटोसिस इन डेंटिस्ट. ओके, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट. ओके, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है. नेक्स्ट, पेरियो टेम्प, तो पेरियो टेम्प क्या है, इट डिटेक्ट पॉकेट टेम्परेचर. आपको पता है पेरियोडोंटल पॉकेट, पता है, यू नो पेरियोडोंटल पॉकेट, you are going to have a class on periodontal pocket tomorrow, okay, by Dr. Ramya. Dr. Ramya will take a periodontal class on periodontal pocket tomorrow. So periodontal pocket kya karta hai, detects pocket temperature difference of 0.1 degree celsius from a reference subgingival temperature. So ye kitna kitna degree temperature measure karta hai, 0.1 degree, to period temp. Aur ye kya hai, ye kya hai, anyone, टेम्पो, टेम्पो में आप एक सिलेंडर डाल दो, ठीक है, तो एक से क्या होता है 0.1, एक, ठीक है, तो वन आप रिमेम्बर कर सकते हो, टेम्प, टेम्प से पेरियो टेम्प आएगा आपको, टेम्पो से पेरियो टेम्प, और एक सिलेंडर से 0.1. ओके, ठीक है, फाइन, दिस इज पेरियोट्रॉन. ओके, पेरियोट्रॉन, व्हाट इज पेरियोट्रॉन, पेरियोट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट used to measure gingival crevicular fluid. Okay, so periotron is used for measuring gingival crevicular fluid. Okay, so this is perio paper, it is a blotter paper used in measuring GCF. Okay, so ye bhi aapka
GCF मेशर करने के लिए यूज होता है. ओके, दिस इज नोन एज पेरियो पेपर. ओके, यूज फॉर मेशरिंग GCF. तो पेरियो चिप. ओके, अभी पेरियो चिप के बारे में बात करेंगे. तो व्हाट इज पेरियो चिप, ये देखो, यू कैन सी दिस, दिस इज पेरियो चिप. ओके, दिस इज पेरियो चिप. तो क्लोरोहेक्सिडिन चिप प्लेस्ड इन द पॉकेट फॉर लोकल ड्रग डिलीवरी. तो ये लोकल ड्रग डिलीवरी के लिए यूज करते हैं. ओके, लोकल ड्रग डिलीवरी. तो इसमें क्या रहता है, पेरियो चिप, चिप फॉर सी फॉर क्लोरोहेक्सिडिन, याद रखना. ठीक है, आपको बाद में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन भी पढ़ेंगे जो हम पेरियोडोंटल पॉकेट में ये सब देते हैं, पर इसको आपको कैसे याद रखना है, चिप फॉर क्लोरोहेक्सिडिन एंड लोकल इज चिप. देखो ये लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट से आपने कुछ लिया है चिप, तो लोकल ड्रग डिलीवरी इज थ्रू पेरियो चिप. ओके, आई थिंक आई हैव गॉट वेरी लेस टाइम, 1 मिनट इज देयर. एनी वे आई ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल. ओके, सो दिस इज पेरियो एड. ओके, ये जो देख रहे हो टूथपिक, टूथपिक देखा होगा ना, एवरी रेस्टोरेंट दे हैव टूथपिक्स. तो दिस टूथपिक्स हैव अ हैंडल. ओके, यू सी दिस टूथपिक, दिस इज अ टूथपिक, दिस हैव अ हैंडल ऑल्सो. ओके, तो टूथपिक विथ अ हैंडल इज नोन एज पेरियो एड. ओके, Start preparing for the NEET MDS from your home. Dr. Pranav Academy of Dental Sciences. Online classes for all first, second, third and final year students. NEET MDS online test series, unlimited practice and highest quality teaching. Affordable pricing. Download the app now. So we'll start, we were talking about perioclean. Okay, perioclean is 2% minocycline used in local ड्रग डिलीवरी. तो ये भी, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर लोकल ड्रग डिलीवरी. ठीक है, दिस इज 2%. दिस इज 2% मिनोसाइक्लिन. ओके, हमने पहले पढ़ा था क्या था, क्लोरोहेक्सिडिन, बट दिस इज 2% मिनोसाइक्लिन. तो इसको कैसे याद रखेंगे, पेरियोक्लिन टू मिनोक्लिन. ओके, पेरियोक्लिन टू मिनोक्लिन. ओके, तो टू यहाँ पे 2% मिनोसाइक्लिन के लिए, ये मिनोक्लिन. ओके, मिनोसाइक्लिन. ठीक है, तो पेरियोक्लिन टू मिनोक्लिन. ओके, दिस इज पेरियोक्लिन, ये एक इसमें आता है. ठीक है, दिस इन अ ट्यूब इट कम्स एंड इट इज गिवेन लाइक दिस. ओके, इट इज गिवेन सबजिंजाइवली. ओके, दिस इज पेरियोक्लिन. तो उस दिन दैट डे राजन वॉज आस्किंग मी what is the importance of tetracycline in dentistry. So here I have got, it is used for the treatment of periodontal disease. Periodontal disease ka treatment karne ke liye hum use karte hai tetracycline. Okay, we use tetracycline for the treatment of periodontal disease. Dekho tetracycline capsules hai yaha pe, then we also use it as local drug delivery bhi hum use karte hai. Okay, तो पेरियोचेक. ओके, अभी इसका नाम है पेरियोचेक. तो पेरियोचेक किस लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट प्रोटीएस एंड कोलाजिनेस इन जीसीएफ. तो प्रोटीएस और कोलाजिनेस हो गया पीसी. ओके, तो इसका न्यूमनिक बनाया है मैंने, चेक योर पीसी. तो आई हैव गॉट अ पिक्चर हियर, देखो दिस गाय इज चेकिंग ए पीसी. ओके, सो चेक योर पीसी, पीसी. ओके, तो चेक हो गया पेरियोचेक योर PC, P for proteases and C for collagenase. Okay, fine. So what is periocheck? It is a ये एक instrument है जो periocheck है, और it is used for detecting proteases, मतलब that is collagenases. Okay. So this is perioscan. Okay, perioscan. This instrument is known as perioscan. So it is a diagnostic kit developed for the identification of specific bacteria profile using an enzyme reaction from plaque isolate. So kya karte hai, isme plaque lete hai aur plaque isolates, actually isolating plaque, and waha pe they study the bacteria. Okay, specific for identifying specific bacteria is identified through perioscan. Okay, so this is periowise premier plastic probe. Okay, तो ये देखो, पेरियोवाइज प्रीमियर प्लास्टिक प्रोब आर यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड विद नेचुरल और इम्प्लांटेड. द प्रोब हैज मल्टी कलर मार्किंग
ग्रीन कलर कोडिंग फ्रॉम 0 to 3 mm, देखो ये 0 to 3 mm इट्स ग्रीन ग्रीन ओके. रेड मार्क एट 5 mm, एक रेड मार्क है यहाँ पे 5 mm पे. एंड रेड कलर कोडिंग फ्रॉम 7 to 10 mm, 7 to 10 mm में रेड कलर कोडिंग है. दिस वन आई डोंट नो व्हाट इट इज, साथ में दिया है फोटो में. तो दिस इज पेरियो वाइज, दिस यू रिमेम्बर द कोडिंग्स 0 to 3 mm ग्रीन कलर, रेड मार्क एट 5 mm एंड रेड कलर कोडिंग फ्रॉम 7 to 10 mm. ओके तो पेरियोस्टैट, पेरियोस्टैट इज 20 मिलीग्राम ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन. ओके तो पेरियोस्टैट ये है, देखो पेरियोस्टैट इज 20% डॉक्सीसाइक्लिन. तो इसको कैसे याद रखेंगे, पेरियोस्टैट स्टैट वर्ड है ना, तो संस्कृत में एक वर्ड है स्तुति. ओके तो स्टैट से आप ये ले सकते हो स्तुति. ओके स्तुति मतलब प्रेयर्स होता है, जो डिफाइन भगवान का डिफरेंट प्रेयर्स होता है. तो स्तुति याद रखो, स्तुति से आपको याद होगा स्टैट, और टी से याद रहेगा 20%. ओके ठीक है, और एक टी से याद रहेगा टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन में क्या आया आपका, ये यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन इज देयर. ठीक है समझ में आया, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. ओके ओके दिस यू नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन. ओके दो तीन बार देखना पड़ेगा बिकॉज दिस आर माई न्यूमोनिक्स. ओके तो दिस इज पेरियोडोंटेन. ओके व्हाट इज पेरियोडोंटेन, इट इज वायरुलेंट फैक्टर ऑफ पी जिंजाइवेलेस. ओके वायरुलेंट फैक्टर, व्हाट इज वायरुलेंट फैक्टर वी नीड टू नो, विल बी टॉकिंग अबाउट वायरुलेंट फैक्टर इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. इट इज एन अल्फा 1 प्रोटीनेस इनहिबिटर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रोफिल इलास्टिन. तो पेरियोडोंटेन इज अ वायरुलेंट फैक्टर ऑफ पी जिंजाइवेलेस. ये पिक्चर इस पे मत लो, जस्ट आई टू रिलेट दिस आई हैव गिवन. तो व्हाट इज वायरुलेंट फैक्टर, पैथोजेंस एबिलिटी टू इन्फेक्ट और डैमेज इट्स होस्ट टिश्यू. वायरुलेंट नाम सुनने से लगता है इट इज रिलेटेड टू वायरस राइट, बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया ऑल्सो. तो वायरुलेंट फैक्टर इज अ पैथोजेंस एबिलिटी टू इन्फेक्ट और डैमेज इट्स होस्ट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय द वायरुलेंस फैक्टर. सो वायरुलेंस फैक्टर डिटरमाइंस द एबिलिटी टू इन्फेक्ट और डैमेज होस्ट टिश्यूज. ओके These are often molecules synthesized by the bacteria or virus and encoded in their genome, but may also be acquired from the environment via transfer. ये ज़्यादा important नहीं है. So now, periotome. Periotome क्या है? Used in extraction of a tooth for implant placement. Okay? So implant placement के लिए use होता है. So this is dental periotome. This is luxator. ये हम oral surgery में use करते हैं. Dental elevator oral surgery में use करते हैं. But this one we don't know because we don't use in undergraduate. Only in postgraduate level we use. So this is periotome. Okay, you remember this instrument, it might come as an image based question. Okay, so this is periotome. Okay, now periostar. Okay, periostar 2000 by 3000. Okay, so this is automatic sharpening instrument. Okay, so ye ek sharpening instrument hai. Okay, you place the instrument here and then it automatically sharpen. So periostar is an sharpening automatic sharpening instrument. Next, periodontal susceptibility test. So, ये periodontal susceptibility test कहाँ पे use करते हैं? It used for testing the presence of interleukin 1 gene. तो ये कैसे याद रखेंगे? 1 है ना? 1, 2, 3 mic test बोलते हैं ना? कहीं पे भी गांव पे जाओ. Not only in villages, everywhere. जैसे कोई भी आएगा 1, 2, 3 mic test, 1, 2, 3 mic test. तो 1 से याद रखो इंटरल्यूकिन 1 और टेस्ट से याद रखो ससेप्टिबिलिटी टेस्ट. ओके तो दिस इज प्रोग्नोस्टिक एसिड्स इन दिस जस्ट अ मिनट एसिड्स इन डिटेंशन ऑफ सेराइन प्रोटीएस डिटेक्शन इट शुड बी स्पेलिंग मिस्टेक डिटेक्शन ऑफ सेरियन प्रोटीएस एंड इलास्टेसेस. ओके तो सेरियन प्रोटीएस और इलास्टेस को जो डिटेक्ट करने के लिए दिस प्रोटीज और इलास्टिस क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. ओके नो ओके देन इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल गेट टू इट. सो दिस इज बायोलाइज. बायोलाइज क्या है? एसिड्स इन डिटेक्शन ऑफ इलास्टिस. ओके सो बायोलाइज इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इलास्टिस. सो व्हाट इज एन इलास्टिस? इलास्टिस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इलास्टिस इज एन एंजाइम. एस है ना, तो एस का मतलब एंजाइम होता है फ्रॉम द क्लास प्रोटीएसेस. ओके
तो इट बिलोंग्स टू प्रोटीएसेस दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन. तो इलास्टेज क्या करता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है. एंड दिस बायोलाइज इज एन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ इलास्टेज. ओके, दिस इज टोपास. टोपास का मतलब क्या है, टोपास क्या है, डिटेक्स टॉक्सिन डेराइव फ्रॉम एनारोबिक मेटाबोलिज्म एंड मेजर जीसीएफ प्रोटीन लेवल. तो टॉक्सिन जो एनारोबिक मेटाबोलिज्म से रिलीज होता है उसको मेजर करता है और जीसीएफ प्रोटीन लेवल. ओके, जीसीएफ तो पता है, जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड. सो इट हेल्प्स इन मेजरिंग जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड. ओके, देन दिस एरेस्टिन. ओके, एरेस्टिन इज, व्हाट इज एरेस्टिन, देखो ये एरेस्टिन मतलब हम दे रहे हैं यहाँ पे, एरेस्टिन इज 2% मिनोसाइक्लिन. तो हाउ डू वी रिमेम्बर, 1 2 3 मिनोसाइक्लिन. ओके, दिस इज ए राइम. ओके, 1 2 3 मिनोसाइक्लिन. तो एक तो कुछ नहीं है यहाँ पे, दो है 2% एंड तीन है एरेस्टिन एंड मिनोसाइक्लिन. ओके, तो 1 2 3 मिनोसाइक्लिन आप याद रखो, ठीक है, दिस इज ए राइम. नाउ साइज ऑफ पीरियोचिप. सो पीरियोचिप का साइज क्या है. ओके, तो हाउ टू रिमेम्बर, देखो ये चिप्स कितने रुपए का चिप्स है, चिप्स में कितना रहता है, एक्चुअली ज्यादा रहता है कि कम रहता है, इतना बड़ा पैकेट है पर रहता है क्या, माल ज्यादा रहता है क्या वहां पे, नहीं रहता है. दिस इज अ 35 रुपीज चिप और माल कितना है, 5 रुपए वाला चिप का, चिप्स का, ठीक है. तो ऐसे याद रखो, दिस इज 5 रुपीज चिप्स. तो इसका साइज है पेरियो चिप का. ओके, पेरियो चिप में क्लोरोहेक्सिडिन होता है, हमने पहले पढ़ा था, दिस इज पेरियो चिप. तो इसका साइज है. तो याद रखो कि 35 रुपीज का आपने चिप्स खरीदा. ओके, और मिला क्या, 4-5 रुपीज का चिप्स, ठीक है. तो 4 × 5 × 0.35. ओके, हाउ मेनी डेज डस पेरियो चिप टेक्स टू बायोडिग्रेड. तो पेरियो चिप जो हमने पढ़ा उसको बायोडिग्रेड डिग्रेड होने में कितना दिन लगता है, इट इज 7 to 10 days. दिस यू नीड टू रिमेम्बर बाय योरसेल्फ. ओके, देन दिस केमिकली मॉडिफाइड टेट्रासाइक्लिन व्हिच लैक एंटीबायोटिक एक्टिविटी बट रिटेन एंटी एमएमपी एक्टिविटी. तो जो टेट्रासाइक्लिन है पर इट लैक एंटीबायोटिक एक्टिविटी. टेट्रासाइक्लिन तो एंटीबायोटिक है पर हियर इट इज लैकिंग एंटीबायोटिक एक्टिविटी बट रिटेन एंटी एमएमपी. एमएमपी मतलब मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेसेस. ओके, तो व्हिच आर दोस टेट्रासाइक्लिन, केमिकली मॉडिफाइड टेट्रासाइक्लिन व्हिच लैक एंटीबायोटिक एक्टिविटी, जिनमें एंटीबायोटिक एक्टिविटी नहीं होता है बट इट रिटेन एंटी एमएमपी. तो दैट इज CMT3 और CMT, दिस शुड बी CMT8. ओके, केमिकली मॉडिफाइड टेट्रासाइक्लिन 3 एंड केमिकली मॉडिफाइड टेट्रासाइक्लिन 8. यू वांट टू नो मैट्रिक्स मेटाबोलो प्रोटीनेसेस क्या है और दिस होस्ट मॉड्यूलेशन क्या है, यू गो टू द प्रेजेंटेशन व्हेन आई शेयर देम इन आवर नोट सेक्शन. ओके, वर्किंग टाइम ऑफ कोपैक. कोपैक पता है आप लोगों को, आफ्टर पेरियोडोंटल सर्जरी. ओके, पेरियोडोंटल सर्जरी वी गिव ए पैक. ओके, जैसे हम ओरल सर्जरी करने के बाद एक कॉटन पैक देते हैं, राइट. तो पेरियोडोंटल सर्जरी आपने जिंजिवेक्टोमी किया है, आपने फ्लैप सर्जरी किया है, ठीक है. तो वी गिव ए पैक. ओके, पैक एक व्हाइट कलर का पैक होता है जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का बना होता है, उसको को पैक बोलते हैं. तो उसका वर्किंग टाइम कितना है, 15 to 20 minutes. एंड हाउ टू रिमेम्बर, पैक से याद आता है पाक. पाक मतलब पाकिस्तान एंड दिस इज द बॉर्डर. तो ये बॉर्डर जो देख रहे हो इतना नुकीला नुकीला चीज है, यहाँ पे आप 15 to 20 minutes रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते हो. तो इसका न्यूमोनिक से पाकिस्तान बॉर्डर में 15 to 20 minutes रह के दिखाओ. ओके, तो दिस इज द पाकिस्तान बॉर्डर एंड यू स्टे देयर फॉर 15 to 20 minutes. ओके, दिस इज द न्यूमोनिक. ओके, ड्रग हीलिंग ड्यूरिंग हीलिंग आफ्टर स्केलिंग एंड क्यूरेटेज इमेच्योर कोलाजन फाइबर्स अपीयर विद इन 21 days. ओके, तो ये आपको खुद से याद रखना है, ड्यूरिंग हीलिंग आफ्टर स्केलिंग एंड क्यूरेटेज. स्केलिंग कर लिया और क्यूरेटेज भी कर लिया, फिर कोलाजन फाइबर कब अपेयर करेगा, 21 days में अपेयर करेगा. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, तो इंसिशन फॉर जिंजिवेक्टोमी. जिंजिवेक्टोमी में इंसिशन देते हैं, राइट. तो उसको बेबेल कितना एंगल देते हैं, कितना डिग्री पे, 45 degrees. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, जिंजिवेक्टोमी बेबेल देते हैं 45 degrees. वेवलेंथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, तो ये भी खुद से याद रखना है, 10,600 nanometers. ओके, देन वेवलेंथ ऑफ एनडीएग लेजर. एनडीएग थर्ड ईयर यू विल स्टडी, आप सर्जरी में भी पढ़ोगे.
तो इसको एंडियाक एंडियाक बोलते हैं, तो इंडिया आता है कि नहीं? राइमिंग होता है इंडिया, इज इट? होता है क्या? ना, मेरे को ही लग रहा है सिर्फ। इज इट एवरीवन? आई लाइक टू हियर, क्या लगता है आपको अनिकेत, नो लगता सर, है? हाँ, करता है राइम थोड़ा बहुत? इंडिया हाँ सर, इंडिया 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 इंडिया, ओके समथिंग, तो राइम करता है। तो इंडिया इंडिया हम लोग कब बोलते थे? सचिन, देखो यहाँ पे इन लोग चैंट कर रहे हैं इंडिया इंडिया। तो सचिन जब बैट करता था, तो सचिन बैट करता था तो क्या, सचिन बैट कर रहा है और सब इंडिया इंडिया बोल रहे, तो उसने क्या किया, पहले एक फोर मारा और फिर एक सिक्स मारा। ओके, तो फोर और सिक्स मिला के कितना हुआ, 10 हो गया। तो यही इसका न्यूमनिक है। ओके, तो 10 उल्टा से गिनो आप, पहले फोर, फोर उल्टा, यहाँ पे फोर है, फिर सिक्स है, फोर और सिक्स 10 होता है, ठीक है? तो 1064 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ ऑफ इंडिया लेजर। ओके, इंटरनल बेवल इंसिशन, तो एक तरह का बेवल इंसिशन है, इंटरनल बेवल इंसिशन बोलते हैं इसको। ओके, तो इट इज गिवेन विद सर्जिकल ब्लेड, आप प्रोस्टो पे 22-23 यूज करते हो, तो ओरल सर्जरी पे हम लोग जनरली 11-15 ये सब, पेरियो पे 12 भी यूज करते हैं, तो दिस आर यूज। तो इंटरनल बेबल इंसिशन के लिए 11 और 15 नंबर सर्जिकल स्केपल इज यूज। ओके, क्रेविकुलर इंसिशन इज डन विथ 12D ब्लेड, तो क्रेविकुलर इंसिशन किससे करते हैं, 12D ब्लेड से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, क्रेविकुलर, तो इसे आप बनाओ वर्नाकुलर, वर्नाकुलर को बनाओ आप 12 नंबर कुलर। ओके, तो 12, 12 नंबर कुलर, कुलर से याद आता है हमको क्रेवी कुलर। ओके, 12 नंबर कुलर, ओके ठीक है, वर्नाकुलर। इंटरडेंटल इंसिशन इज गिवन विथ ऑर्बन नाइफ। ओके, तो इंटरडेंटल इंसिशन इज गिवन विथ, और एक है जिंजिवेक्टोमी का इंसिशन, दैट इज गिवन विथ किर्कलैंड नाइट नाइफ। ओके, तो इंटरडेंटल इंसिशन इज गिवन विथ ऑर्बन नाइफ, तो इसको कैसे याद रखेंगे, इंटरडेंटल आई है और ये ओ है, तो दे आर बोथ वाउल्स, तो आई और ओ आप एक साथ मिला दो, ठीक है? आई ए आई ओ एक साथ आता है ना, आई और ओ, तो दे आर वाउल्स। इंटरडेंटल इंसिशन इज गिवन विथ ऑर्बन नाइफ। ओके, सो दैट्स वॉज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए।